मेगा गेमर सर, इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ सीएस रैंक के बारे में। तो सबसे पहले मेरी टिप आती है कि आप लोग को सीएस रैंक में कौन से अच्छे स्किल्स कॉम्बिनेशंस के साथ जाना चाहिए करेक्टर्स के। सबसे पहले तो आपको अपना करेक्टर्स सेक्शन खोलना है। आपको जो आपको ये लेना है हयातो, मतलब हयातो जिसमें ज़्यादा ये वो आपको लेना है। मुझे तो अभी ढूंढना पड़ेगा कि किस में सबसे ज़्यादा ये जिसमें मैं अपनी एबिलिटी डाल सकता हूँ। यस अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको मैक्सिम लेके खेलना चाहिए। मैक्सिम क्यों? क्योंकि वो अच्छा रहता है। सबसे पहले तो आपके पास क्लाव होना चाहिए एंड आपके पास सेकेंडली कैली होनी चाहिए। ये आपके लिए दोनों अच्छे रहेंगे एंड आपके पास मैक्सिम तो पहले से ही है। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। आपको स्काइलर के साथ करना चाहिए ऐसे। ये हमारा स्काइलर का सही हो चुका है, हमारा ये रहेगा ठीक एंड होगा। अभी तो हम ये अपनी चीज रखते हैं। हाँ चलो चलो अभी हम वीडियो पे बढ़ते हैं। एक एक मिनट ये क्लियर कर लो सरा। इसमें भी है हाँ, यहाँ से ये भी ले लो। बाहर चल दिया है ये भी ले लिया। हाँ हो गया। हाँ तो आप लोग को मैंने दिखा तो दिया, मैं इतने सालों से कम क्लेम नहीं इसको किया। इसको भी करना तो यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे पास कितने सर्वेट एक मिनट। हाँ चलो। हाँ तो आप लोग का करेक्टर कॉम्बिनेशन हो चुका है कंप्लीट एंड आपको अब सीधा गेम में जाना है। लेकिन 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 आपको सबसे इसमें जो प्रो इस बंदे आपको जिनका होगा लेवल सबसे ज़्यादा आपको उनके साथ खेलना है। जैसे ये ऑलमोस्ट मेरी रैंक का बंदा, मतलब है ही मेरी रैंक का बंदा। आपको इसको ही बुलाना है। आप इसमें जो अच्छे बंदे होंगे आपको उनको बुलाना है एंड आपको गेम लगा देनी है। एंड आपकी जैसी गेम लगेगी, आपके तो अच्छे पहले ही बंदे गेम में बहुत ज़्यादा। यस सारे आपके आए हुए हैं सिल्वर के बंदे एंड आपको मतलब आपकी बहुत अच्छी गिल्ड हो गई, मतलब गेम बुला। आपको सबसे पहले यही लेना है। आपको वन टैप नहीं खेलना है। आपको नॉर्मल बॉडी बॉडी खेलना है, हेड हेड खेलना है। दोनों आपको रैंडमली कुछ लगेंगे ये आपके ऊपर मैटर है। अगर आपको हेड शॉट मारना तो फिर आप वही ले लो M249। वो यहाँ पे चलना है। आप बताओ कैसे अपने गेम में अपने वो बंदों को बुलाओ सबसे अच्छे। आपको ना आपकी स्किन बड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत सालों से खेल रहा है और उसके पास कपड़े अच्छे हैं, बड़ा ऐसे लोग करते हैं। एंड हमारा करेक्टर कॉम्बिनेशन स्किन वगैरह तो हो चुका है वो। यस अगर आपके सारे टीम मेट कहीं हैं तो फिर आपको वहीं उनके साथ ही जाना है। ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने किल्स हैं कितने किल्स नहीं हैं। आपका अगर कोई टीममेट पिट रहा है तो आपको जाना है एंड बंदे को ढूंढना है एनिमी को। एंड एनिमी मिलेगा फटाफट आपको ख़त्म कर देना है एनिमी को। एंड एनिमी ख़त्म हो चुका है, गेम आपकी ख़त्म हो चुकी है। पहला राउंड हम जीत चुके हैं क्योंकि हमने स्मार्ट टेस्ट खेला है, हमने स्मार्टेस्ट मतलब स्मार्टनेस से खेला है। अगले मैच में अगर आपको ये मिल जाती है P90, मैंने सारी स्किल्स डिफ़ॉल्ट की हुई हैं। आपको अगर P90 मिलती है तो आपको P90 ले लेनी है क्योंकि P90 सो गुड, P90 बेटर देन वो क्या कहते हैं हाँ MP40 इन क्लैश, मतलब CS रैंक है। क्योंकि
MP40 जो होती है ना CS रैंक में, वो ना बहुत मतलब चलती नहीं अच्छे से। और ये लॉन्ग रेंज भी है और लोग CS रैंक में लॉन्ग रेंज ही ज़्यादा खेलते हैं। सो यस, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। एंड आपको जैसे ही बंदा दिखे आपको फटाफट अपनी गोलियाँ चलानी है, चाहे वो नॉक हो या नाओ। अरे मेरा किल चुरा क्यों रहे हैं ये लोग। बैठ आपको वैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैसे करना चाहिए किल, ताकि आपके टीममेट्स को लगे कि आप प्रो हो या ना। एंड ये है, ये भी खत्म हो जाए कितने प्रो में बेइज्जती कर रहा हूँ। हाँ, सो आपकी सबसे पहली टिप है, इतनी देर से मैं टिप की दे रहा था, पता नहीं कि ऊपर चढ़ना है। आई नीड इक्विपमेंट। ओके, क्या पड़ी हुई है ले ले। आपको यहाँ पे ऊपर चढ़ना है, अगर आपको ग्रेनेड मिल रहा है तो आपको साफ साफ ओके कर देना है, ले लेना मतलब। एंड आपको वेस्ट हेलमेट ले लेना है अगर आपको मिले तो। ओ भाई, ओ मैं नॉक होने वाला हूँ। आपको एक ही जगह पे स्टिल रह के नहीं फायरिंग करनी, आपको थोड़ा थोड़ा हिल के फायरिंग करनी है। एंड आपका एक बंदा तो गई है, आपको उधर देखना है। यस यस यस, बंदा आया, मार दिया हमने, हमारा किल कंफर्म कर दिया। अब आपको यहाँ पे ऊपर को चलते हैं। एंड यहाँ पे आपको बीच में ड्रॉप आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे छुप के देखना है। एंड आप जैसे आप गेम जीत जाओ, आपको इमोट्स नहीं दिखाने हैं। आपको इमोट अगर आप दिखाओगे तो बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अपनी फुल पावर में आ जाएगा। एंड अगर आपके पास अगर है ऐसी गन मतलब ये, तो फिर आपको इसको ही रखना है, क्योंकि ये गन्स बहुत ज़्यादा एपिक है। मतलब अब आपको बताता हूँ मैं गन कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको Mag 7 लेनी है, एंड ये इसके साथ बेटर रहेगी, ये जो मेरे पास है। मतलब ये नहीं, ये हाँ, ये बहुत अच्छी रहेंगी कॉम्बिनेशन। और ये आपको तो पता है, ये इससे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे हेड लगते हैं लोगों के, है मतलब। हाँ, बहुत अच्छी गन है ये। यहाँ पे आपको आना है, मतलब आपको ऐसी जगह पे आना है जो कि एकदम कॉर्नर जैसी हो, एंड वो अच्छे हेड के लिए हो, एंड वो ज़्यादा ऊपर भी हो। मतलब बहुत ज़्यादा ही दे रहा हूँ एक बार में। एंड यहाँ पे आपको आना है, और आपको यहाँ पे आके के लगाओ लोल। अगर आपका एनिमी मतलब आपका टीममेट डाउन हो जाता है, तो फिर आपको फटाफट ग्लोअल लगा देनी है अपने आगे लगानी है सबसे पहले, तो फिर आगे जाके अपने टीममेट्स के लिए लगानी है ग्लोअल। एंड अगर आपकी ग्लोअल टूटती है तो फिर देखो। सो हमारी ये हो चुकी है एंड हमारी वीडियो यहीं पे ओवर होती है। हमने बहुत सारी टिप्स दी हैं, पता नहीं मैं कैसे लिखूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर, टेक केयर, बाय बाय।